पकड़ेंगे हम उस पर भी पर्चा देंगे। ठीक है, गड्डियां लगी होंगे ना बेचो दारू के ना, तो बड़ा दिल भटकता है, बड़ा तकलीफ होती है जी। जो जो एरिया जहाँ हम छुप के शराब पीते थे वहाँ पे अब हम बैठ के शराब नहीं पी सकते। अर्बन स्टेट फेज वन महमूद कांदर साहब एरिया दे बहुत बार बंदे दी रखी गई है। मीटिंग का जिहड़ा एजेंडा वा एक तो इलैक्शन जिहड़ियां लोक सभा दी आ रहियां ने उहदे संबंध विच फेसफुली आपां प्रशासन की जिहड़ी मदद करनी है। वैसे पिछले लंबे समय के साडा जिहड़ा एरिया वा पढ़िया लिखा एरिया वह कोई भी किसी भी तरह की इतना की कोई गड़बड़ या गलबात नहीं होंगी, किसी भी तरह की किसी को भी कोई भी जी प्रॉब्लम हो, कोई राय देना हो, कोई सुझाव हो, कोई महल के गलत अंसर कोई काम करते और कोई चिट्टा बेचते और कोई होर किसी भी तरह का हो, जो मैडम का नंबर है अगले वाला काम खत्म हो गया भी अगर आप जाके दसते होंगे थे भी एस एच ओ साहब भी साढ़े एरिया दे विच आ काम जिहड़ा हुंदा वा ते नाल ही थाने चो फोन कर दिंदे थे भी साढ़े एरिया दे विच सुखबीर जी ने फोन किया जां चन्नी जी ने फोन किया जां गुच्छड़ साहब ने फोन किया ते आई पी एस दफ्तर ने कोई भी किसी भी तरह का जिहड़ा वा बेखौफ हो के आप जिहड़ियां अपनियां समस्यावां बारे जिहड़ा इन्हां नूं जाणू कराउणा वा। मैडम तुहाडे इत्थे आउण ते असीं दिलों तहि दिलों धन्नवादी आ क्योंकि जब ते तुसीं थाणा दुगरी का चार्ज लिया माड़ा आंसर ते फुकरा आंसर हूँ तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा क्योंकि इस तो पहला भी अफसर बहुत आते हैं और मैं समझता भी जो इलाके कोई नवा अफसर आता है या शहर के कोई नवा कमिश्नर आता है तो लोगों के मन च यह गल होंगी भी ये अफसर बहुत सख्त है, ये अफसर बहुत नरम है और मेरी यह निजी राय है भी लोगों के मन के कानून का डर चाहिए, अफसर ए आवे बी आवे सी आवे कोई आवे तो जे आप बाहरले कंट्रियों की गल करिए तो कानून का डर लोग कानून तो डरते हैं अफसर चाहे हम तुम मैं कहना अगर अरदास करते हैं जो जी नेचर है जिम्मे गलत आंसर शरारती आंसर तो कंट्रोल किया डी जी पी तक जाओगे पौधे से उम्मीद है भी पंजाब भी नहीं कंट्रोल करो। तो बहुत खुशी हुई है कि हौसला बताओगे ऐसे समागम कर रहे जो कोई अफसर चंगा काम करता तो वह हौसला वधाया जाता तो फिर वो ताकत भी बढ़ती है तो उन्होंने अंसर के वह डर भी बढ़ता जोड़े माड़े अंसर सो इस तरह के जो समागम कर रहे हो मैं लगता कि इतिहास के जो मैं गल करा कि एक ये ऐसे अफसर ने आत्मनगर हल्के जिन्होंने इन्ना सम्मान तो पहली बारी मैं देख रहा सो इस गल की मैं इन्हों मुबारक दिना तो परमात्मा अगे अरदास बेनती कर जो इमानदारी काम करना हो मुसीबत फिर ना ही होनी होंगे तो जोड़े माड़े बंदे होंगे वो लिजाण का फिर कसर भी कोई छड़े नहीं होंगे। राजनीति एक ऐसी चीज़ आ कुछ राजनीतिक लोग अपना लाह लैन सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते फिर इमानदारी की गल बहुत करते सो आप इन्होंने गलों ना जाते हुए फिर भी इन्होंने जी दलेरी आना काम करने का तरीका वनू अभी ये कहने कि परमात्मा इस तरह बनाई रखे। साडा पंजाब का डिजिटल प्रेस क्लब बनया हुआ जिद लगभग 60 चैनल ने जी जे 40 चैनल ने वो लोकल लुधियाने के चैनल ने अभी थोनों तो मैं उन्होंने प्रेजिडेंट हाँ विश्वास थोड़ा तो भी इलैक्शन के ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ 10 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ 20 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 30 ਦੀ 40 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਬਾਤੇ ਸੁਣਨੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗ ਮੁਝਸੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ जो पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है या पुलिस क्या एक्शन कर रही है वो अगर उस तरह से बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कल होली के दौरान हम लोगों का बंदोबस्त जो
जो था पुलिस का पिछले सालों में और इस सालों में आप लोगों ने कुछ डिफरेंस अगर नोट किया हो तो प्लीज मुझे बताइए। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਕੱਠੇ ਉੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਨੇ ਹਮ ਜੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹਮਨੇ ਨਿਕਾਲਾ, ਕੱਲ 57 ਬੰਦੇ ਥੇ ਜਿਨਕੋ ਹਮ ਉਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਾਏ, ਔਰ 13 ਆਈ ਥਿੰਕ 13 ਚਲਾਨ ਥੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਕੀਏ। ਚਲਾਨ ਹਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਲੀ ਥੀ ਤੋ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। तो जैसे ट्रिपल राइडिंग हुआ या फिर जैसे कई लोग ज़्यादा शोर मचाते हुए भी जा रहे थे, तो हमने उनसे बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जी आप ऐसा मत करिए, और दो से ज़्यादा अगर बंदे हैं तो हमने एक को उतार के फिर बोला कि भाई तुम पैदल जाओ, बाकी दो जाएंगे भाई। एक चीज़ और कल हमने स्टार्ट की कि बेसिकली पुलिस का दो काम होता है, एक होता है क्राइम प्रिवेंशन, एक होता है क्राइम कंट्रोल। मेरा ये आइडिया कि हम लोगों को क्राइम प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान दें तो वो एक बेटर रहता है हमेशा फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पुलिस एज वेल। सो हाउ डू वी प्रिवेंट क्राइम, वी ट्राइड दैट येस्टरडे। जैसे जो भी वायलेटर्स थे, ट्रैफिक वायलेटर्स, वॉट वी डिड वॉज कि हमने उन बंदों को उतारा और हमने कहा कि तुम एक एक घंटे हमारे बंदों के साथ ड्यूटी दोगे, एज पुलिस तुम ड्यूटी दोगे। आजकल छोटे बच्चे है गिरे नेपाल के, वो बड़े बड़े हार लगाने साइकिल कितनी लाइटा गिरिया ने हार बजा, वो बड़ा दिल तकड़ा है, बड़ा तकलीफ होती है थोड़ी उन्होंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे ने 7 हज़ार का 8 हज़ार का बच्चा एक्टिवा लैके स्कूल जाता है, उन्होंने कोई उन्होंने कोई पता नहीं कि मोड़ना है, उठा एकदम कम कर एक्सीडेंट जो मैंने भी सीखे हैं, मेरे सट बची है उन्होंने महसूस होगा भी करता है एक बैठते थोड़ा उन्होंने लिखा जाए उन्होंने लाया जाए थोड़े पेरेंट्स लिया जाए। इसके लिए हमने जो किया है वो एक तो ड्रामा वाला चौक, मेरे पास जब मैंने ज्वाइन किया तब सबसे ज़्यादा जो मुझे कंप्लेंट्स आ रही थी वो वहाँ से आ रही थी, तो हमने एक काम किया, हमने वहाँ पे अपने शिफ्टिंग नाकाज लगाए। अभी आप वहाँ जाके देखिए तो आई थिंक शाम को मैं खुद वहाँ डेली जाती हूँ, 1.5 से 2 घंटा हम लोग ऑन पेट्रोलिंग रहते हैं, अभी काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो बच्चे हैं जो एक्टिवा पे आते हैं उनको एक्टिवा पे ना बैठने देना वो उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, हम अगर उसे उठा के थाने भी ला रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं टफ पनिशमेंट हो जाता है, एक बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है। अब बात यह है कि उनको सुधारा कैसे जाए। वहाँ सिटी की जो मेन तो स्कूटर मार्केट की गल करिए तो सुभानी बिल्डिंग जो है खुलेआम बेच रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड मनी, और उन्होंने तो सैल्फिश मोटिव है, उन्होंने किसी की लाइफ न किसी की हार्ट न प्रॉब्लम है, उन्होंने डजंट मैटर, बट अपन रूट कॉज उतों की प्रोडक्शन है या वो सेल है, आई गैस अपन उतों ही उन्होंने रोकना पड़ेगा। मैडम एक जी दिक्कत आ मार्केट आ शामी बसंत मार्केट भी इतने नाका भी लाया हमें क्लीयर इतने मेन प्रॉब्लम है भी राति जो तुम कहो जी परिवार के नाल बसंत मार्केट के चले जाओगे इतने कम से कम 5-6-7 गड्डिया बह के दारू पी जाते राति। मैं फिर गया, मैं तुम्हें फोन भी करना सीगा, मैं राति तकरीबन 8:30-9 बजे गया वहाँ, ठीक है गड्डिया लगियां होंगे बच्चे दारू पीते हैं, जो कहो गए स्टिंग ऑपरेशन करके साढ़े को हर तरह के कैमरे भी ने सिस्टम भी है टेप भी है, ठीक है अभी करके थोड़ा जोड़ा वा अज ही शामी थोड़ा प्रोवाइड करता। इस इशू के रिगार्डिंग कल मैं बता दूँ मेरी ADCP सर से क्या बात हुई, बस मैसेज आया रात को 8:30 बजे, वो बैठे थे अपने किसी दोस्त के घर जो कि डुगरी एरिया के ही है, उन्होंने ADCP हेडक्वार्टर से आपको दीपक सर को ये बोला कि जी जो जो एरियाज जहाँ हम छुप के शराब पीते थे वहाँ पे अब हम बैठ के शराब नहीं पी सकते, क्योंकि मैडम जो है वो 2 बार राउंड मार चुकी है, हमें बंदा जो है दुकानदार ये बोलता है कि मैडम 2 बार तो राउंड मार चुकी हैं तो 3री बार आने वाली। एक तो ये व्यू पॉइंट है, दूसरा ये देखिए कि हम लोग हर टाइम हर जगह नहीं हो सकते,
तो इसमें अभी फॉर द पास्ट 5-6 डेज मैंने जो शॉपकीपर्स हैं बसंत मार्केट के, उनको मैंने स्ट्रिक्ट ये हिदायत दी है कि अगर मैंने बंदा उनके दुकान के बाहर से पकड़ा, तो जहाँ से हम बंदा पकड़ेंगे, जिसकी दुकान के बाहर से हम बंदा पकड़ेंगे, हम उस पर भी पर्चा देंगे। ये पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप एक इनिशिएटिव है जिसके तहत मैं लोगों से मिल रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि डुगरी पुलिस अकॉर्डिंगली एक्शंस इनिशिएट कर सके। आप लोग जो हैं ग्राउंड्स पर प्रेजेंट हैं, तो अगर हमें ज़मीनी तौर पर जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली अगर पुलिस तक आएगी तो पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा, लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं हम ज़्यादा इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। तो ये उसी के तहत हमारा एक न्याय मिशन है।